फ्रेंड्स, अगर आप कम खर्च में बहुत बढ़िया सी सब्जी बनाकर खाना चाहते हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए है। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2 गठिया प्याज की ले रही हूँ। 2 ही टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं और लहसुन, और साथ ही लिए हरी मिर्च 8 से 10। और सबसे पहले हम जो मशरूम है हमारी, उनको हम काट करके तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। इनका कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है। और भूनने के बाद ये काफ़ी अच्छी लगती है। काफ़ी लोग ऐसे ही बनाते होंगे मशरूम को, लेकिन आप इस तरीके से भून करके बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मशरूम की सब्ज़ी बनाकर खाएंगे तो नॉनवेज जो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसको भी आप भूल जाएंगे इसके आगे, इतना टेस्टी बनता है ये मशरूम। तो देखिए, मशरूम हमारा अच्छे से भुन भी गया है, उसको निकाल ले रही हूँ मैं। और उसी तेल में अब मैं डाल दूँगी जीरा और जो हमने पेस्ट पीस के रखा था, ये प्याज मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है, मिर्ची में मैंने पीस लिया था इनको। तो पूरा मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको भून लेंगे हम। तो देखिए, 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हमारा जो प्याज का पेस्ट है कुछ इस तरीके का हो गया है। तो प्याज भुनने के बाद मैं इसमें टमाटर भी पीस के डाल दे रही हूँ। और ये प्यूरी काफ़ी अच्छी लगती है, पीस के सब्जी बनाते हैं तो ग्रेवी फुल एकदम बनकर तैयार होती है। तो और मैंने मटर भी ले लिया, मैंने 250 ग्राम मटर लिया है। इसको मैं उबाल लूँगी, गर्म कर लूँगी ताकि ये मटर अच्छे से उबल जाएगी। वैसे तो उबली हुई आती है मार्केट में, लेकिन फिर भी हम गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लेंगे इसको। और देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए थे तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। 2 से 2.5 चम्मच मैं लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, क्योंकि लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है मेरी, तो वैसे 1.5 चम्मच में ही काम हो जाता है। अपने स्वादानुसार आप डालिएगा, आप जैसी खाते हो। और 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी एकदम अच्छी बनती है इससे और अच्छी महक भी आती है। और ये साथ ही मैं 1/2 चम्मच डाल दे रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और अच्छे से इसको मिक्स करके भून लेंगे। ये मसाला हमारा तेल छोड़ जाए जब भी हमें इसमें पानी को ऐड करेंगे। तो मसाले को हम धीमी आंच पे इसी तरीके से भुनने देंगे। देखिए, आपको तेल दिख रहा होगा मसालों में। तो बस इसी के बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक, स्वादानुसार हम नमक को डालेंगे। 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था। और बहुत ही अच्छे से ये मसाला तेल छोड़ गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये मटर वाला पानी, पानी शायद हम मटर को भी डाल देंगे इसमें। और देखिए, ऐड कर दिया है मैंने इसमें पानी। अभी इसमें मैंने मशरूम को नहीं डाला है, जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक हम अपनी मशरूम को इसमें नहीं डालेंगे। और देखिए, उबाल आने लगा है 2 से 3 मिनट के बाद। तो अब हम इसमें अपनी जो मशरूम फ्राई करके रखी थी उसको डाल देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स। और 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसी आसान वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए। तो देखिए, जो हमारी सब्जी है उसमें उबाल आ गया है और अभी थोड़ा पतली है, थोड़ी देर और 2 से 3 मिनट के लिए और इसको उबल जाने देंगे। जैसे ही ये फ्रेंड्स और उबलेगी वैसे ही ये थिक होने लगेगी। बस इसी स्टेज पे हम इसको उतार देंगे।